What's up guys, this is Ayaaz, Kicxter, welcome back to another video. Guys, आज का जो tutorial है वो बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है. जो लोग मेरे को comment करके बोल रहे थे कि भाई 720 का एक और tutorial बनाओ. So basically, आज के tutorial में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी 720 kick को कैसे improve कर सकते हो और जिनको नहीं आती है वो लोग अपनी 720 कैसे जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं within only 5 minutes. So guys, let's get started. Let's learn how to improve or how to learn the 720 kick in only 5 minutes. तो गाइज आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ट्यूटोरियल. गाइज सिंपली सबसे पहले तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा प्रीवियस वाला 720 का ट्यूटोरियल देख लो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. उसमें मैंने गाइज एक बेसिक वर्जन भी बताया है 720 किक का, जो कि होता है वर्टिकल स्पिन एंड एक होता है कोरियन स्पिन. अब आप लोगों को ये जानना है कि वर्टिकल स्पिन और कोरियन स्पिन क्या होता है, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा वाला ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा. उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में सब चीज़ें समझाई हैं. तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को एक एडवांस वर्जन बताने वाला हूँ और जो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है वो वर्जन बताने वाला हूँ, जो कि होता है कोरियन स्पिन. तो बेसिकली कोरियन स्पिन में क्या होता है, कोरियन स्पिन के लिए आप लोगों को वन लेग आनी चाहिए, यानी कि 540 किक आनी चाहिए, जो कि टॉर्नेडो में एक लेग पर लैंडिंग होती है. अब बेसिकली ज़्यादातर लोगों को वो किक नहीं आती है. वैसे तो अगर आप लोग चाहो तो मेरा 540 किक का भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, बट इस ट्यूटोरियल में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप लोगों को 540 किक नहीं आती होगी तब भी आप अपना कोरियन स्पिन जो है 720 में ऐड कर सकते हो. और वो किस तरह से कर सकते हो उसमें उसको उस टेक्निक को मैं अब आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ. तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जैसे मैं हर किक में बताता हूँ एक अच्छा सा वाइंड अप स्टेप चाहिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम मिले. तो सिंपली हम लोगों को वाइंड अप करना है अपनी साइड की तरफ, जिस तरफ भी आप लोग किक मारेंगे. तो अब जैसे मैं बेसिकली राइट साइड मारता हूँ तो मैं राइट साइड की तरफ अच्छा सा हाथ खोल के पूरी ताकत लगा के वाइंड अप करूँगा. ओके तो अब अगर हमारा वाइंड अप हो गया है तो सिंपली अब हम लोगों ने वर्टिकल स्पिन में क्या किया था, वर्टिकल स्पिन में गाइस हम लोग कुछ इस तरह से मारते हैं, एक पैर से उछलते हैं एंड एक पैर से ही मतलब हम लोग मार देते हैं किक. अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो याला पैर है ये फोल्डेड नहीं रहता, यानी कि इससे 540 किक नहीं पड़ती है. तो ये जैसे ये सिंपल ये हमारा वर्टिकल स्पिन है इस तरह से कुछ, जो कि बहुत सिंपल होता है 720 का ईजी वर्जन कह सकते हैं आप इसे. लेकिन अब कोरियन में क्या होता है, हम लोग का जो ये नॉन किकिंग लेग था, जो हमारा दूसरा पैर था, उससे 540 किक जाती है एंड हमारा जो ये लेग है वो फोल्डेड रहता है. लेकिन अब जो लोगों को 540 नहीं आती है वो लोग क्या करें, सिंपल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो आपका वर्टिकल स्पिन है, वर्टिकल स्पिन में जो आपका याला पैर सीधा रहता है, जैसे कि आपको लोग को एक मैं वर्टिकल स्पिन दिखाता हूँ एंड आप लोग मेरे याले पैर पर ध्यान देना, याला जो मेरा पैर रहेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा एयर में कुछ इस तरह से, जैसे कि आप लोगों ने देखा याला पैर एकदम सीधा था. तो अब इसको वर्टिकल को कोरियन में कैसे बदले, वर्टिकल को कोरियन बदलने का सिंपल तरीका कि आप इस पैर को सीधे की बजाय फोल्ड कर दो. सिंपल कुछ नहीं करना है, वर्टिकल स्पिन मारना है एंड याले पैर को फोल्ड कर लेना है. इससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल वर्टिकल स्पिन है वो थोड़ा थोड़ा कोरियन स्पिन लगने लगेगा. तो एक मैं वाला स्पिन भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि वर्टिकल में याला पैर फोल्ड कर लिया. अब ये सिर्फ स्पिन था, मैंने किक नहीं मारी, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, अब जैसे ये सिंपल वर्टिकल स्पिन था, याला पैर हम लोगों ने फोल्ड कर लिया, थोड़ी सी हम लोगों को लगा कि हल्का हल्का कोरियन स्पिन है. तो अब हम लोग सिंपल इसी स्पिन को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग पैर सिंपल फोल्ड कर रहे थे इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएँ एंड इस पैर को ऊपर उठाने के बाद इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करें. इससे क्या होगा कि ये पैर जो है उठने के साथ साथ इस तरह मुड़ जाएगा एंड जैसे ही ये मुड़ेगा तो एक आप लोगों को 540 किक वाली फील भी आने लगेगी. एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर जैसे ही आप लोगों को 540 किक की फील आने लगेगी तो आपका जो सिंपल वर्टिकल स्पिन था वो एक कोरियन स्पिन में बदलने लगेगा. सो गाइज ये थे कुछ स्टेप्स जिससे आप अपने सिंपल वर्टिकल स्पिन को कोरियन स्पिन में बदल सकते हो. गाइज इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है एक कोरियन स्पिन की 540 किक सीखने का, बिकॉज मैं अगर खुद बताऊं तो इससे ज़्यादा सिंपल तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा एंड ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है अपने एक सिंपल वर्टिकल स्पिन को कोरियन स्पिन में बदलने के लिए. और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेरा 720 किक का जो प्रॉपर ट्यूटोरियल है वो देख लो, उससे आप लोग वर्टिकल स्पिन सीख लो एंड
कोरियन स्पिन का इजी वर्जन सीखने के लिए आप लोग ये वाले स्टेप्स को फॉलो करो। सो गाइज, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, आप अपनी 720 किक को कैसे ज्यादा से ज्यादा कम समय में एक सिंपल वर्टिकल स्पिन वाला जो वर्जन होता है, जो कि एक ईजी वर्जन होता है, उसको एक एडवांस वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप लोग अपनी 540 किक को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को फिर रिकमेंड करता हूँ, आप लोग मेरा 720 का पहला वाला ट्यूटोरियल जरूर देख लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड लक गाइज, गुड लक विद द ट्रेनिंग। Peace out.